हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आप सभी ने तो टाइटैनिक के बारे में सुना ही होगा। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, टाइटैनिक उसी देश में बना था। एक ऐसा देश जहां इंसान की संख्या कम और मोबाइल फोन की संख्या ज्यादा है। इस देश में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लाल रंग वाले बालों के लोग आपको इसी देश में मिलेंगे। इस देश में एक नहीं बल्कि दो दो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। हेलोविन की शुरुआत भी इसी देश से हुई थी और इसी देश में है दुनिया का सबसे पुराना यॉट क्लब। इस देश में कई सारे आइलैंड हैं, लेकिन कोई इंसान वहां नहीं जाता। और एक ऐसा देश जहां पर होती है सबसे ज्यादा बारिश। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश आयरलैंड के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं आयरलैंड के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आयरलैंड देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। देश की कुल आबादी है लगभग 50 लाख के आसपास। बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पर 72 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। यहाँ पर तकरीबन 63% लोग शहर में रहते हैं और 37% लोग गांव में बसते हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी है डबलिन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड देश की आधी आबादी से भी ज्यादा, मतलब कि 60% इसी शहर में रहते हैं, जबकि ये शहर कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है। यही कारण है कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग रहते हैं। आयरलैंड में भी हमारे देश की तरह प्रधानमंत्री के पास ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। यहाँ के प्रधानमंत्री के पास ही पूरी ताकत होती है, जबकि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ सरकार के काम की देखरेख करते हैं। आयरलैंड देश की बात कर ही रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में आप एंजॉय तो खूब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि यहाँ आप बिल्कुल भी पब्लिक प्लेस में नशा नहीं कर सकते। यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। इस मामले में अगर यहाँ के लोगों को पता चलता है कि किसी ने इतना नशा किया हुआ है कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा, तो उसे यहाँ की पुलिस हमेशा के लिए सही कर देती है। इस देश में नशा कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में या अपने घर पर बैठकर। आयरलैंड को एमराल्ड आयल के नाम से भी जाना जाता है, जो इस देश का निकनेम है। और इसकी वजह है यहाँ की हरियाली। यहाँ पर आपको घर कम और हरियाली ज्यादा दिखेगी। यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद हो सकता है कि आपको कोई और देश दिखने में अच्छा ही ना लगे। जब बात हो रही है आयरलैंड की खूबसूरती की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में खूब बारिश होती है। कहा जाता है कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बारिश आयरलैंड में ही होती है। कई बार तो यहाँ 40-40 दिनों तक बारिश होती रहती है। न्यूजीलैंड के बाद आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां आपको एक भी सांप नजर नहीं आएगा। हैरानी की बात यह है कि यहां चारों तरफ घास और जंगल ही है, बावजूद इसके आपको इस देश में एक भी सांप नहीं दिखेगा। कई लोगों का कहना है कि यहां बहुत ठंड पड़ती है और इसीलिए कोई सांप नजर नहीं आता। वेल, दोस्तों, आयरलैंड के लोगों को दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड माना जाता है। ये ऐसे लोग हैं जो ट्रैफिक का नियम तब भी मानते हैं जब इन्हें देखने वाला कोई न होता है। इन लोगों के लिए अपने देश का नियम सबसे ऊपर होता है और ये इसको सपनों में भी नहीं तोड़ते। आयरलैंड के लोगों की तरह हमें भी डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है दोस्तों। भले ही आयरलैंड में नशा करना मना हो, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही पियक्कड़ होते हैं। यहाँ बियर पीने वाले लोगों की कमी नहीं है। यहाँ की आबादी है 60 लाख, लेकिन बियर पीने के मामले में ये दुनिया की 6वां सबसे बड़ा देश है। आयरलैंड में गिनीज बियर सबसे फेमस ब्रांड है। हालांकि यहाँ के लोगों से ज्यादा बाहर के देश के लोग ही इसे पीते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में हर दिन 1 करोड़ गिनीज बियर पी जाती है। आपको ये भी बता देता हूँ कि आयरलैंड के लोग चाय खूब पीते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि आप जितनी मर्जी चाय पी लो, आपको कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसमें चीनी नहीं डालते हैं। चाय पीने के मामले में पर कैपिटा आयरलैंड दुनिया का तीसरा देश है। औसतन 3 कप चाय तो यहाँ के लोग एक दिन में पी ही जाते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो कि ऑफिस पहुँचते ही चाय न पिए। असल में यहाँ ठंड काफी पड़ती है ना, और ये है भी ब्रिटेन के नजदीक में, तो आप फिर समझ ही सकते हैं कि चाय से कैसे ये दूर रहेंगे। आयरलैंड के लोगों के बीच में मछलियों का अलग अलग डिश बहुत पॉपुलर है। हमारे तरह यहाँ के लोग भी सुबह शाम मछलियों को खा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी मानना है कि मछली खाने से इनकी किस्मत साथ देती है। आयरलैंड का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयरलैंड में 90% लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो कभी चर्च नहीं गए। साथ ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दी हर्प है। एक मजे की और बात बताता हूँ, अगर आयरलैंड में किसी गाने की 5,000 कॉपीज बिक जाए तो वो आयरलैंड का बेस्ट गाना होता है।
और साथ ही आयरलैंड बेस्ट सेलर्स बनने के लिए आपको अपनी किताब की सिर्फ 3,000 कॉपीज बेचनी होगी। आयरलैंड के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। जो समंदर में आप पनडुब्बी देखते हैं वो भी तो इसी देश में पहली बार बनाया गया था। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि आयरलैंड में ही मशहूर जहाज टाइटैनिक बनाया गया था। दोस्तों, आपने हेलोवीन फेस्टिवल के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल आयरलैंड के एक लोकल फेस्टिवल की कॉपी है जिसे आयरिश लोग समहाइन कहते हैं। इस दिन यहाँ के लोग जंगल में जाकर बॉनफायर करते हैं और साथ ही डरावने मास्क अपने चेहरे पर लगाते हैं। आयरलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है आयरिश, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के लोग इस भाषा का इस्तेमाल ना के बराबर ही करते हैं। यहाँ के महज 2% लोग ही एक दिन में आयरिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग आयरिश भाषा अपने घर पर कम बोलते हैं और पॉलिश ज्यादा बोलते हैं, है ना? ये भी कमाल की चीज। आयरलैंड में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों के बीच में आपको एक अलग ही एक्सेंट दिखेगी। इस देश में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एक्सेंट है। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आयरलैंड के लोगों से ही बात कर रहे हैं या किसी और देश के लोगों से, क्योंकि यहाँ पर हर 10 किलोमीटर में एक्सेंट बदल जाता है। आयरलैंड के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो कि स्कूल न जाता हो, और यही वजह है कि आयरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आयरलैंड के लोगों में भूत और प्रेत का डर बहुत है। जी हाँ, आज के दिन भी इस देश में कई सारे आयरलैंड है जहाँ पर की कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि इस आयरलैंड में बुरी शक्तियों का वास है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आयरलैंड में रहने वाले लोगों के बाल लाल रंग के होते हैं। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार 100 में से सिर्फ 9 लोग ही इस देश के होते हैं जिनके बाल नेचुरली लाल रंग के होते हैं। आयरलैंड के लोग दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसान होते हैं। यहाँ पर आपको हर इंसान सुबह या शाम में कसरत करते हुए या दौड़ते हुए दिख जाएगा, और इसीलिए यहाँ के लोग आपको बुढ़ापे में भी जवान नजर आते हैं। वैसे यहाँ के लोगों का खाना भी बहुत ही सादा होता है। ये मसाले या तेल न के बराबर ही खाते हैं। आयरलैंड का नेशनल स्पोर्ट है हर्लिंग, जो कि काफी हद तक हॉकी से मिलता जुलता है। इस गेम में भी एक स्टिक के साथ बॉल को हिट करना होता है। लोगों में इस गेम को लेकर बहुत पागलपन होता है। आयरलैंड में क्रोक पार्क नाम की एक स्टेडियम है जो कि राजधानी डबलिन में स्थित है। इस स्टेडियम हद से ज्यादा खूबसूरत है और ये यूरोप का चौथा सबसे बड़ा स्टेडियम है। कहा जाता है कि आयरलैंड के लोग बड़े ही रोमांटिक होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर 60% से भी ज्यादा शादियाँ लव मैरिज होती हैं। आयरिश लड़कियों को दुनिया भर में सबसे सुंदर लड़कियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इनकी खूबसूरती के आगे कोई भी अपना होश खो दे। वैसे आपको बता दे कि आईपीएल में जो आप चीयरलीडर्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर आयरलैंड की ही होती हैं। वैसे हॉलीवुड में भी कई बड़ी हीरोइन हैं जो आयरलैंड की है। साथ ही यहाँ के लोगों के बीच में ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ये साल में कम से कम एक बार तो किसी और देश घूमने जरूर जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आयरलैंड में जितने लोग रहते हैं उससे कहीं ज्यादा इस देश के लोग किसी और देश में बसे हुए हैं? आयरलैंड के लोग कुल मिलाकर 5 मिलियन इस समय अपने देश में है, जो कि 50 लाख के आसपास होता है। वहीं 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोग इसी देश से दूसरे देश सेटल हो चुके हैं। अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, वो भी किसी ऐसी जगह जहाँ सुकून, मनोरंजन, प्रकृति और खाने के सभी इंतजाम हो, तो आपके लिए आयरलैंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आयरलैंड एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ एक ही जगह पर दुनिया के अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ बहुत अधिक भीड़ नहीं होती और इसीलिए सफर सुकून भरा रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। आयरलैंड में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 52,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, आयरलैंड की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू लगभग 87.35 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो दोस्तों, ये था हरियाली से भरी देश आयरलैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।